डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ एंड सेफ्टी कोर्सेज के हवाले से जो हमारा सिलसिला चल रहा है लेक्चर्स का, उसमें अब हमने ओशा कोर्स का भी इजाफा कर दिया है। इस कोर्स का पूरा नाम ओशा 30 आवर्स जनरल इंडस्ट्री कोर्स है। आज हम डिस्कस करेंगे ओशा 30 आवर्स जनरल इंडस्ट्री कोर्स का पहला टॉपिक या पहला चैप्टर, जो के है इंट्रोडक्शन। इसमें हम ये देखेंगे कि हेल्थ एंड सेफ्टी क्या है और ओशा क्या है। सबसे पहले यहाँ पे ट्रेनिंग की हेडिंग मौजूद है। ट्रेनिंग मीन्स टेलिंग पीपल हाउ टू डू समथिंग, टेलिंग पीपल व्हाट दे शुड और शुड नॉट डू, और सिंपली गिविंग देम इंफॉर्मेशन। ट्रेनिंग इज नॉट जस्ट अबाउट फॉर्मल क्लासरूम कोर्सेज। अच्छा जी, ट्रेनिंग क्या होती है कि आप लोगों को बताते हैं कि कोई भी काम करना है, कैसे करना है और कौन सा काम नहीं करना। और लाजमी नहीं है कि हर ट्रेनिंग जो है फॉर्मल क्लासरूम हो। बहुत सारी ट्रेनिंग्स ऑन फील्ड दी जाती हैं जिनका पॉसिबल नहीं होता कि क्लासरूम में समझ आए। जिस तरह बहुत सारे साइंस सब्जेक्ट्स में जब तक प्रैक्टिकल न किया जाए तब तक उनकी समझ नहीं आती। अगला फैक्ट्स एंड फिगर की हेडिंग है। मैं पहले भी आपको कई दफा बता चुका हूं, हेल्थ एंड सेफ्टी में आपने फैक्ट्स एंड फिगर को जस्ट इम्पैक्ट लेना है कि कितने ज्यादा लोग मुतासिर हो रहे हैं। आदादो शुमार आप याद नहीं करेंगे। उसके पीछे रीजन ये है कि हर कुछ अरसे बाद ये आदादो शुमार तब्दील होते रहते हैं। यहाँ पे क्या बता रहा है, ओशा बता रहा है कि 6000 वर्कर्स डाई एनुअली, कि 6000 लोग सालाना मरते हैं वर्कर। 50,000 डेथ्स ड्यू टू वर्क प्लेस रिलेटेड इलनेस, 50,000 लोगों की अमवात वाकया होती है वर्क प्लेस इलनेस की वजह से। 5.7 मिलियन नॉन फेटल वर्क प्लेस रिलेटेड इंजरीज, इतनी जो जानलेवा साबित नहीं होती है वो 5.7 मिलियन है इंजरीज हैं। और इंजरीज अलॉन कॉस्ट यूएसए बिजनेसेस अवर $125 बिलियन, और इन इंजरीज की वजह से सिर्फ यूएसए के बिजनेस को $125 बिलियन से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ता है। इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड सेफ्टी। सेफ्टी डिराइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड सॉफ। ये जो सेफ्टी वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड सॉफ से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब महफूज के हैं। इट इज द बेसिक राइट ऑफ वर्कर। हेल्थ एंड सेफ्टी वर्कर्स का बेसिक राइट है जो आपने उनको देना ही देना है। दी ओशा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1970 एंड द लॉ इम्प्लीमेंटेड इन 1971। मतलब ये इदारा इस्टेब्लिश हुआ 1970 में और इम्प्लीमेंट हुए इसके लॉ 1971 में। इन 1990 इट वॉज इस्टेब्लिश 1970 एंड द लॉ इम्प्लीमेंटेड इन 1971। इन 1990 इट वॉज अमेंडेड एंड इम्प्लीमेंटेड एज एन एक्ट। तो क्या हुआ कि 1990 में इसको एज अ एक्ट के तौर पर वहां पे इम्प्लीमेंट कर दिया गया। और इस एक्ट के साइलेंट फीचर्स क्या थे, तो इस एक्ट के जो साइलेंट फीचर थे वो ये थे, हु इज कवर्ड अंडर द लॉ, के कानून के मुताबिक कौन लोग इसके अंदर शामिल होंगे या कौन लोग इसके जुमरे में आते हैं, द रोल एंड फंक्शन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटीज इन इंप्लीमेंटेशन, और हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटीज का क्या रोल होगा इसको इंप्लीमेंट करने में। हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स ऑन द जॉब इंक्लूडिंग ट्रेनिंग, ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड डेजिग्नेटेड स्टाफ सच एज सुपरवाइजर्स, द सर्कमस्टांसेस इन विच द वर्कर हैज द राइट टू रिफ्यूज टू वर्क, और वो कौन से अनासर होंगे जिसमें वर्कर को ये इख्तियार हासिल होगा कि वो काम से इनकार कर दे। ये सूरत तब पैदा होती है जब कोई भी वर्क प्लेस खतरनाक हद तक डेंजरस हो जाए या वहां पे किसी भी इमरजेंसी का
जो रिस्क लेवल है वो हाई हो जाए, तो ऐसी सूरत में वर्कर के पास ये इख्तियार है कि वो उस वर्क प्लेस को छोड़ दे. द कंडीशन इन विच द वर्कर हैज द राइट टू स्टॉप वर्क, द कंट्रोल ऑफ टॉक्सिक और हैजुअस सब्सटेंसेस ऑन द जॉब, टॉक्सिक जानलेवा जहरीले जो होंगे वो आपने उन सब्सटेंसेस को कैसे जॉब से दूर रखना है, इन्फोर्समेंट बाय गवर्नमेंट इंस्पेक्टर टू इंश्योर कंप्लायंस विद द एक्ट, के इन्फोर्समेंट जो गवर्नमेंट इंस्पेक्टर है वो कंप्लायंस को मेक श्योर करेंगे कि तमाम तर कंपनीज लॉ को एक्ट को फॉलो कर रही है. इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम इन वर्किंग पर्पज ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी का बुनियादी तौर पर मकसद क्या है, फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलफेयर ऑफ वर्कर, टू रिड्यूस द एडवर्स इफेक्ट ऑफ वर्क ऑन वर्कर, के किसी भी काम के जो मुखालिफ या बुरे असरात हैं उसको कम किया जाए वर्कर के लिए, टू प्रोवाइड वर्कर्स अ बेटर वर्क प्लेस, और कोशिश ये की जाए कि वर्कर को काम करने के लिए एक अच्छी जगह मुहैया की जाए. आगे चलते हैं जी. अब आगे जब आप आगे चलेंगे तो इसमें होगा क्या कि अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इसके अंदर यूज होती हैं, हैजर्ड्स एंड कंट्रोल्स. सबसे पहले हैजर्ड है क्या. अ हैजर्ड इज एनीथिंग दैट हैज पोटेंशियल टू काज हार्म और इंजरीज टू अ पर्सन आर पर्संस एंड प्रॉपर्टी डैमेज. खदशा कोई भी ऐसी चीज है जिसके अंदर ये सकत है कि वो किसी को, एक इंडिविजुअल को या एक से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है. रिस्क है, इट इज द लाइकलीहुड दैट अ पर्सन मे बी हार्म्ड और इंजर्ड इफ एक्सपोज टू हैजर्ड कंबाइंड विद द सेवेरिटी ऑफ कंसीक्वेंसेस. मतलब किसी चीज के होने के इम्कान को का जो कंबिनेशन है उसके नतायज के साथ उसको हम रिस्क बोलेंगे. एग्जाम्पल आ गई हमारे पास सामने, इससे ज्यादा आपको एलोबरेट हो जाएगा, ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी इज अ हैजर्ड एंड इलेक्ट्रिक शॉक इज द हार्म. इलेक्ट्रिसिटी क्या है जी, हैजर्ड है और इलेक्ट्रिक शॉक क्या उसका हार्म है, इज अ हार्म और एन इंजरी, द वर्कर मे बी एक्सपोज टू इट इज रिस्क. रिस्क विल बी हाई इफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बींग यूज एज सब स्टैंडर्ड, वायरिंग इज पुअर एंड द इंसुलेशन ऑन द वायर इज पुअर, और इफ देयर इज वाटर ऑन द ग्राउंड. मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी बजाते खुद एक हैजर्ड है और इलेक्ट्रिक शॉक क्योंकि एक वर्कर को नुकसान पहुंचा सकता है तो इलेक्ट्रिक शॉक रिस्क है. इलेक्ट्रिक शॉक जब रिस्क है तो यहां पे रिस्क लेवल को हम मेजर कैसे करेंगे. अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अनसेफ है और या इन्वायरमेंट जो है वो अनसेफ है, फॉर एग्जाम्पल वाटर है ग्राउंड पे, तो आपको पता है वाटर इज अ यूनिवर्सल कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ऐसी सूरत में वो तमाम तर एरिए को इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता है जो जो वहां पर मौजूद होगा. देन कंट्रोल्स क्या होंगे इसके, दीज आर द मेजर्स टेकन टू कंट्रोल द रिस्क और एलिमिनेट द हैजर्ड ऑल टूगेदर. हैजर्ड क्या है हमने देखा, रिस्क क्या हमने देखा, एग्जाम्पल के इलेक्ट्रिसिटी कैसे हैजर्ड है और इलेक्ट्रिक शॉक कैसे रिस्क है, और कंट्रोल्स क्या होता है कि जब आपके पास इस चीज की निशानदेही हो जाए कि ये आपके पास खदशा या खतरा मौजूद है तो आपने इसके ऊपर काबू कैसे पाना है. एग्जाम्पल, If there is a spill of water in a room, it presents a slipping hazard for person working in that room. If access to that room is prevented by a physical barrier, though the hazard would remain, but the risk of slip trip would be minimized. Example क्या दीजिए कि अगर एक कमरे में पानी की लीकेज है और पानी वहां पर फैला हुआ है तो आपको पता है कि wet floor हमेशा slip hazard होता है. अब slip हैजर्ड वहां पे अपनी जगह मौजूद है, अगर हम उस कमरे की तरफ एक बैरियर, एक रुकावट कायम कर दें, रुकावट लगा दें ताकि कोई भी बंदा उसमें दाखिल ना हो, तो ऐसी सूरत में हमने हैजर्ड अपनी जगह मौजूद है
लेकिन उसका जो रिस्क है, उसके जो होने के इम्कानात हैं, हमने उसको रिड्यूस कर दिया. नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ कंट्रोल. इंजीनियरिंग कंट्रोल, एग्जांपल रेलिंग ऑफ स्टेयर्स. एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, साइन बोर्ड्स लगा दें, वर्कर को खतरनाक जगहों से दूर रखें जहां पे कोई भी हैज़र्डस इवेंट हो सकता है, कोई भी ऐसा इवेंट जिससे वर्कर को नुकसान पहुंच सकता है. तो ऐसी सूरत में आप बैरियर रख के वर्कर को वर्कप्लेस से तो दूर नहीं रख सकते, वर्कप्लेस के अंदर हैज़र्ड से दूर रखेंगे. पीपी बेसिकली जी लास्ट रिजॉर्ट है. जब आपके बाकी कंट्रोल मेजर उस तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो सकते तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को, जाती हिफाजत के आलाजात को एज अ लास्ट रिजॉर्ट यूज किया जाता है. और याद रखिएगा कि बाकी कंट्रोल मेजर्स का जब आप अप्लाई कर लेते हैं तो आप कुछ रिलैक्स हो सकते हैं, लेकिन पीपीई एक ऐसी चीज है जिसका ताल्लुक इंडिविजुअल से है कि वो सेफली बिहेव करके उसको पहनेंगे या नहीं पहनेंगे और इसका क्या नतीजा निकलेगा. तो इसलिए पीपीई ऐसा कंट्रोल है जिसका सारे का सारा दारोमदार ह्यूमंस के ऊपर है. तो इस वजह से ये कंट्रोल मेजर आपकी इतनी सेफ भी नहीं है. नेक्स्ट वी हैव हायरार्की ऑफ कंट्रोल. हायरार्की ऑफ कंट्रोल में क्या होगा कि हायरार्की ऑफ कंट्रोल एक पूरा सीक्वेंस है, एक पूरा ऑर्डर है कि किस तरीके से हम रिस्क के ऊपर या किस तरीके से हम हैजर्ड्स के ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं. तो देयर आर द स्टेप्स आर द ऑर्डर इन विच मैनेजमेंट ट्राइज टू रिड्यूस द रिस्क. एलिमिनेट हैजर्ड के खदशात को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाए. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी जगह पे ट्रेलिंग केबल एक तार रास्ते में है तो उस तार को वहां से दीवार के साथ माउंट कर दिया जाए तो आपने हैजर्ड को मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट कर दिया. नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप उसको मुकम्मल तौर पर खत्म करें तो देन आप उसके मुतबादल के तौर पे जाएंगे. जैसे अगर आप किसी पर्पज के लिए टॉक्सिक केमिकल यूज कर रहे हैं तो आप उसको सब्स्टिट्यूट कर दें लेस टॉक्सिक के साथ. देन वी हैव इंजीनियरिंग कंट्रोल. इंजीनियरिंग कंट्रोल्स में क्या होगा कि आप ऐसे सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप करेंगे ताकि लोगों को काम करने में आसानी हो और वो जो प्रोसेस हो वो इनहेरेंटली सेफ होना चाहिए ताकि जैसे ही वर्कर उसको अडॉप्ट करे तो वो भी सेफ एंड सिक्योर हो जाए. एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में क्या होगा कि आप लोगों को हैजर्ड से दूर रखें और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो फिर ऐसी सूरत में आप इंक्लोयर करेंगे चीजों को जो पूरी. अब फॉर एग्जांपल एक जगह पे मशीन पे काम हो रहा है, अब आप वर्कर को किसी भी सूरत मशीन से दूर नहीं कर सकते क्योंकि उसने ऑपरेट करनी है. तो ऐसी सूरत में आप मशीन के ऐसे पार्ट्स जो हैजर्ड क्रिएट कर सकते हैं आप उन पार्ट्स को गार्ड कर देंगे, गार्ड अप्लाई करेंगे. गार्ड अप्लाई करने से क्या होगा कि वो मशीनरी आपकी सेफ हो जाएगी. देन वी हैव पीपी इज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. इसमें जाती हिफाजत के आलाजात आते हैं जिससे हेड प्रोटेक्शन के लिए हेलमेट और विजिबल जैकेट्स और विजिबल क्लॉथिंग ताकि पता चले कि वर्कर काम कर रहा है. उसके अलावा आपके पास ग्लव्स हैं, उसके अलावा आई प्रोटेक्शन के लिए आपके पास गॉगल्स हैं, ग्लासेस हैं, स्पेक्टेकल्स हैं, ईयर प्रोटेक्शन के लिए ईयर मफ हैं, ईयर डिफेंडर्स हैं, फुट प्रोटेक्शन के लिए आपके पास लॉन्ग बूट हैं या सेफ्टी बूट आपके पास होने चाहिए. तो ये सब चीजें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अंदर शामिल होती हैं. अब ये इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी क्या है कि हमें हेल्थ एंड सेफ्टी क्यों मैनेज करनी पड़ती है. वर्कर्स नीड सेफ्टी एट वर्क प्लेस. वर्कर को सेफ्टी चाहिए, अदरवाइज जब वर्कर सेफ नहीं होगा तो आपकी वर्क प्लेस ऑटोमेटिकली सेफ नहीं है. दे स्पेंड 8 to 10 hours अ डे एट वर्क साइट. आपको पता ही है कि 8 से 10 घंटे ड्यूटी टाइम होता है किसी भी वर्क साइट के ऊपर ऑफिशियली. बाकी पार्ट टाइम या एक्स्ट्रा वर्क वो एक अलग इशू है. ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कॉन्सेप्ट वर्कर्स गेट वेरियस डिजीज लाइक ड्यू टू डस्ट गैस नॉइज. कई दफा ऐसे होता है वर्कर को जब हेल्थ एंड सेफ्टी का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो ऐसी सूरत में वर्कर
जब बगैर पीपीईज के वर्कप्लेस में घूमेगा तो उसको डस्ट, गैस और नॉइज से बहुत सारी बीमारियां लाग हो सकती हैं। इट इम्प्रूव्स द हेल्थ एंड सेफ्टी इंश्योरेंस कॉस्ट, इससे हेल्थ एंड सेफ्टी इंश्योरेंस कॉस्ट बेहतर होगी। एंड एब्सेंटिज्म रेट इसमें जो है वो आपका कम होगा, सिक लीव्स जो है वो आपकी कम होंगी, लोग ज्यादा से ज्यादा रेगुलर काम पे आएंगे, बार बार छुट्टियां नहीं करेंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंस में आता है, इट इज गुड फॉर द ओवरऑल रेपुटेशन ऑफ द एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर की ओवरऑल रेपुटेशन इस तरह से बेहतर होगी कि जब उसके एम्प्लॉयज उससे खुश होंगे कि हमारा जो एम्प्लॉयर है, जो हमारी टॉप मैनेजमेंट है, वो कमिटेड है और वो हमारी हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से कंसर्न है। अच्छा जी, नेक्स्ट जनरली टाइप्स ऑफ सेफ्टी हैं यहाँ पे जो इससे रिलेटेड हैं। अदरवाइज वर्ड सेफ्टी के भी मतलब काफी सारे हैं और सेफ्टी की टाइप्स बहुत हैं। हम विद रिस्पेक्ट टू ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी डिस्कस करेंगे, तो तीन टाइप्स हैं जिनको हम मजीद उनके एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं। एक होती है जी नॉर्मेटिव सेफ्टी। नॉर्मेटिव सेफ्टी इज टर्म यूज टू डिस्क्राइब प्रोडक्ट्स आर डिजाइन डेट मीट एप्लीकेबल डिजाइन स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटेक्शन। एग्जाम्पल, चेयर्स आर डिजाइन टू सपोर्ट द बैक ऑफ वर्कर सिटिंग ऑन इट। नॉर्मेटिव सेफ्टी ये होती है कि कोई भी चीज जो वो बनाई ही इस तरह से जाती है कि उसका मकसद ही क्या होता है कि वो आपको सेफ रखे, आपको सिक्योर रखे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक चेयर आपको बैक सपोर्ट नहीं देती है तो आप पीछे की जानिब गिर सकते हैं, तो ऐसी चेयर फिर आपकी किसी भी तरह स्टैंडर्ड के ऊपर पूरा नहीं उतरेगी। सब्सटेंटिव सेफ्टी क्या होती है जी? सब्सटेंटिव सेफ्टी में आता है, सब्सटेंटिव सेफ्टी और ऑब्जेक्टिव सेफ्टी मीन्स दैट द रियल वर्ल्ड सेफ्टी हिस्ट्री इज फेवरेबल वेदर आर नॉट स्टैंडर्ड आर met. Example, if a worker is standing in the middle of a roof which has no grill, according to the standard there is a fall hazard, but as he is standing in the middle he is safe. अच्छा जी, तो ये फिर क्या कह रहे हैं? ये कह रहे जी सब्सटेंसिव सेफ्टी ऐसी सेफ्टी है जिसको आप ऑब्जेक्टिवली सेफ मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इसमें नहीं देखेंगे स्टैंडर्ड मीट हो रहा है या कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा एक छत के बिल्कुल सेंटर में खड़ा है, बेशक उसके बॉर्डर के ऊपर कोई ग्रिल नहीं है, कोई फसील नहीं है, बावजूद इसके क्योंकि वो छत की सेंटर में खड़ा है इसलिए हम उसे सेफ कहेंगे। और ये जो टाइप है सेफ्टी की, इसको हम सब्सटेंटिव सेफ्टी बोलते हैं। और इस सेफ्टी में स्टैंडर्ड्स ना भी मीट हों तो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट वन वी हैव दी परसीव्ड सेफ्टी। परसीव्ड और सब्जेक्टिव सेफ्टी रेफर्स टू द लेवल ऑफ कंफर्ट ऑफ यूजर। इसका ताल्लुक हर इंसान की सेटिस्फेक्शन से है कि कोई भी बंदा किस लेवल पे अपने आप को सेफ एंड सिक्योर समझता है। हम सारे हेल्थ एंड सेफ्टी के कोर्सेज में ज्यादातर जो बात करते हैं वो नॉर्मल लोगों के बारे में बात की जाती है, लेकिन ये जो परसीव सेफ्टी है इसके अंदर होता क्या है कि हर इंडिविजुअल को देखते हुए, उसके लेवल को, कंफर्ट को देखते हुए हम उस हद तक सेफ्टी करने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल है जी, इफ अ पर्सन इज क्लॉस्ट्रोफोबिक ही विल नॉट फील सेफ इन अ क्लोज स्पेस इवन व्हेन देयर इज नो हैजर्ड प्रेजेंट। कि कुछ लोग क्लॉस्ट्रोफोबिक वो लोग होते हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिया वो होता है कि आपको किसी बंद जगह, तंग जगह पे जब खौफ महसूस हो। तो कहता है कि अगर एक बंदे को क्लॉस्ट्रोफोबिक है, वो उसको इस चीज का खौफ है बंद जगहों का, तो बावजूद इसके कि वहां पर कोई हैजर्ड या रिस्क मौजूद नहीं है, फिर भी वो खौफजदा होगा। तो उसके कंफर्ट लेवल तक हमें सेफ्टी करनी पड़ेगी, उस सेफ्टी को हम परसीव्ड सेफ्टी बोलते हैं। ये था जी हमारा पहला लेक्चर ओशा का चैप्टर नंबर 1 के ऊपर। अब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।